सरकार में राज्य मंत्री मनोनीत कर आए विजय सिंह चौधरी के स्वागत में क्षेत्रवासियों ने पलक पवाड़े बिछा दिए। उनके स्वागत के लिए प्रातः 10 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया। करीब 3 बजे वह कुचामन सिटी पहुंचे। क्षेत्र के लाडले विधायक विजय सिंह चौधरी का डीजे एवं हजारों वाहनों के काफिलों के साथ स्वागत किया गया। वहीं नारायणपुर तराहे से कुचामन सिटी तक गाड़ियों का काफिला एवं 200 से अधिक स्थानों पर उनका माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया गया। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर चौधरी का स्वागत किया। कुचामन सिटी के इतिहास में ऐसा स्वागत पहली बार हुआ है। इस स्वागत को देखकर हर कोई कह रहा है। जगह जगह जेसीबी में खड़े होकर लोगों ने पुष्प वर्षा की। इसी क्रम में नारायणपुर तराहा पर ग्राम पंचायत मंडावरा व नारायणपुरा के लोगों ने चौधरी का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद पलाड़ा के लोगों ने भी भव्य स्वागत किया। आगे अपेक्स स्कूल प्रबंधक द्वारा श्रवण सिंह काकरिया के नेतृत्व में स्वागत किया गया और इसी के आगे मेघवार समाज के लोगों ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। साथ ही शहर के अन्य कई जगह पर चौधरी का स्वागत हुआ। विजय सिंह चौधरी की अपने राजनीतिक गुरु पूर्व विधायक स्वर्गीय हरीशचंद्र कुमावत के प्रति गहरी श्रद्धा है। चौधरी हर विशेष मौके पर स्वर्गीय हरीशचंद्र कुमावत की पत्नी पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती यशोदा कुमावत का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। साथ ही हरीशचंद्र कुमावत की फोटो पर पुष्प अर्पित करना नहीं भूलते हैं। चौधरी कुमावत के पुत्र राजेंद्र को ही हर विशेष मौके पर अपने साथ रखते हैं। इसी के कारण विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र ने पूर्ण समर्थन के साथ चौधरी का सहयोग किया। बुधवार को चौधरी कुमावत के निवास स्थान पर पहुंचे तथा हरीशचंद कुमावत के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और घर की चौखट पर माथा टेका। साथ ही यशोदा कुमावत का आशीर्वाद लिया, जिसके साथ ही विधायक व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी स्वागत के लिए शहर के चारों ओर लोग खड़े थे और जिसके बाद विजय सिंह चौधरी ने पुराने बस स्टैंड पर सभा को संबोधित किया। पुराने बस स्टैंड पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि वह आमजन की भावनाओं पर खरा उतरेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। उनका लक्ष्य विकास के कार्यों के साथ ही आमजन की परेशानियों को दूर करना है। वह 24 घंटे आमजन की मदद के लिए तैयार रहेंगे। चौधरी ने कहा कि भाजपा शासन में अब अधिकारी आमजन को परेशान नहीं करेंगे। आमजन को अपने कार्यों के लिए अधिकारियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें विधायक बनाया है और इसी कारण वह मंत्री बन पाए हैं, लिहाजा यह पद नवा की जनता को समर्पित किया गया है। आप विधायक बने और अब मंत्री भी बन गए हैं, क्या कहेंगे आज जनता को, भी क्या संदेश देंगे? हरीश जी कुमार, मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई हरीश जी कुमार साहब ने और मुझे पहले प्रधान बनाया, फिर उनको दातारामगढ़ से टिकट दिया गया और मेरे को नावा से, मैं उस वक्त 2013 के अंदर जीत गया और हरीश जी कुमार साहब कुछ वोटों से चुनाव लूज कर गए। वो मेरे राजनीतिक गुरु थे और मेरे फादर भी 4 बार विधायक रहे और हरीश जी कुमार साहब भी 4 बार विधायक रहे। उन्होंने कभी मन व्यक्त नहीं रखा, आपस में प्रेम से रहते थे, ऐसी कोई कमी नहीं थी कि पार्टी अलग थी, लेकिन मैं पूछा उनके विकास के लिए, नवा के विकास के लिए वो एक थे और मैं उन दोनों के पचीनों पर चलकर नवा कुचामन का विकास करवाऊंगा, ये कर्त संकल्प है मेरा। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश के आज़ाद होने के बाद आज नवा तहसील को राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है। उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि नवा तहसील जो 70 सालों से मंत्री परिषद में जगह के लिए खाली थी, इंतजार था उनका, अब पूरा हुआ है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, गरीब आदमी तक सरकारी योजनाएं पहुंचे, उनको उनका लाभ मिले, उनके लिए प्रयासरत है और 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर चहुंमुखी विकास होगा, यह आपको मैं विश्वास संदेश है कि आपस में भाईचारे से रहे, जो भी विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे नवत और कुछ हम विधानसभा का, और ईमानदारी से काम करवाएंगे। आज तक जो कांग्रेस के शासन में हुआ कुशासन था, अब राम राज्य आ गया तो जनता ही खुशहाल रहेगी, ये हम कहना चाहते हैं। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।